In figure, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. If AD is perpendicular on BC and EF is perpendicular on CA, then prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. राइट तो क्वेश्चन में जो हमको डायग्राम है वो इस तरह से है. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी. इस ट्रायंगल की दो साइड्स ए बी और ए सी के आपस में इक्वल है. वर्टेक्स ए से बी सी साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ए डी, यानी ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी. उसी तरह से सी बी के सी बी को आगे ई तक प्रोड्यूस किया गया है ई पॉइंट तक, और ई से जो है ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है दैट इज सी एफ. राइट तो हमको यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ए बी डी ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूफ करना है, ट्रायंगल ई सी एफ के सिमिलर प्रूफ करना है. तो सबसे पहले तो देखिए दोनों ही ट्रायंगल्स में यहाँ पे इस ट्रायंगल का एंगल डी और इस ट्रायंगल का एंगल एफ दोनों क्या है 90 डिग्री है. उसके अलावा दोनों ही ट्रायंगल में इसका एंगल वन और इसका एंगल टू इक्वल है. क्यों है एंगल वन और टू इक्वल? क्योंकि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ए बी साइड किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है. तो ए बी और ए सी के ऑपोजिट जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो हम कह सकते हैं एंगल वन और टू भी क्या है आपस में? इक्वल है. तो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स में दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू क्या है? इक्वल है. इट मीन्स बाय ए ए सिमिलैरिटी बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखिए कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे हम. तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से है. इन ट्रायंगल ए बी सी एबीसी ट्रायंगल देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी. ए बी इज इक्वल टू ए सी दैट इज गिवन. राइट तो ए बी के सामने की जो इसका एंगल है ए बी के सामने का एंगल टू और ए सी के सामने का एंगल वन. तो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन. इसका रीजन देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. किसी ट्रायंगल की इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं आपस में? इक्वल होते हैं. राइट अब देखिए इसको हम एंगल वन इक्वल टू एंगल टू भी लिख सकते हैं. करेक्ट अब आते हैं ट्रायंगल्स जिनको हमको सिमिलर प्रूफ करना है. इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ. ट्रायंगल ई सी एफ में देखिए एंगल डी इसका एंगल डी इज इक्वल टू इसका एंगल एफ. या लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी. ई एफ सी बोथ 90 डिग्री. क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी पे और ई एफ जो है परपेंडिकुलर है ए सी पे. इसके लिए एंगल ए डी बी एंगल ए डी बी ये 90 डिग्री होगा. उसी तरह से एंगल ई एफ सी ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा. अब देखिए ए बी डी जो ट्रायंगल है उसकी उसका जो एंगल वन है तो एंगल वन और इसका एंगल टू ये भी आपस में क्या है? इक्वल है. क्यों इक्वल है? ये हमने क्या किया है? प्रूफ किया है. राइट अब दोनों के दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है. इट मीन्स बाई ए ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी डी इट सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ. राइट और यही हमको यहां पे क्या करना था? प्रूफ करना था. तो वापस एक बार क्वेश्चन को देखते हैं. हमको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है ए बी सी. इसकी ए बी और ए सी साइड इक्वल है. इसके लिए इनके ऑपोजिट एंगल्स एंगल वन और टू भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. उसके साथ साथ ए डी जो है बी सी पे परपेंडिकुलर है और ई एफ जो है ए सी पे क्या है? परपेंडिकुलर है. हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ई एफ सी आपस में क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल डी
एंगल ए डी बी और एंगल ई एफ सी दोनों क्या है 90 डिग्री है. दूसरा एंगल 1 और 2 भी इक्वल है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं बाय ए ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ.